मेरे को 5 क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज हमारे ग्रामर का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है, टॉपिक 2 है, और मंथ कौन सा है, दिसंबर का है, ठीक है। तो अच्छा, वर्ब होता क्या है, पहले हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब से पहले देख लेते हैं कि वर्ब होता क्या है। वर्ब की डेफिनेशन ये है कि अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन एंड स्टेट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस सच एज हियर, बिकम एंड हैपन। ऐसे कोई भी वर्ड जो कि कोई भी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब जो होता है वो हर सेंटेंस में लास्ट में यूज़ होता है, कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होता जो वर्ब के बगैर ना हो, ठीक है। एक किस्म का सेंटेंस जो है वो वर्ब के बगैर जो है वो इनकम्प्लीट होता है, सही है। किसी भी एक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है रेगुलर वर्ब्स और सेकेंड होती है हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उसमें क्या होता है, इट टेक्स डी एंड ई डी इन द एंड ऑफ वर्ब, ठीक है। जो इस वर्ब में जो हमारे पास वर्ब्स यूज़ हो रहे होते हैं उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में क्या लगता है, डी लग जाता है या फिर क्या लग जाता है, ई डी लग जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई प्ले, ठीक है, इसके सेकेंड फॉर्म में क्या लग गया, ई डी प्लेट, और थर्ड फॉर्म में भी क्या लग गया, ई डी प्लेट, ठीक है। ऐसे वर्ब जिसके एंड में डी और ई डी लग जाए उसे क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब्स। और इररेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं, इट डजेंट टेक डी और ई डी इन द एंड ऑफ वर्ब। इसमें क्या होता है, इसके एंड में ना डी आता है ना ई डी आता है, ठीक है। इसके क्या होता है, स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, लेकिन डू है, ठीक है, ये हो गया डेड और ये क्या हो गया, डन, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि स्पेलिंग्स क्या हैं, चेंज हो गई हैं, ठीक है। इसमें ना डी यूज़ हो रहा है ज़्यादा ना ई डी यूज़ हो रहा है, ठीक है, सिर्फ स्पेलिंग्स ही चेंजिंग है। तो वो कौन से वर्ब्स होते हैं इसमें डी और ई डी ना लगे, वो क्या होते हैं, इररेगुलर वर्ब्स होते हैं। अलाफ़ इस क्लास।